हेलो माइडो फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विराज है। गाइस, बहुत सारे लोगों के चैनल पर करेंटली इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन आ रहा है और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे। रियूज कंटेंट के बारे में तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमने किसी दूसरे की वीडियो उठाकर अपने चैनल पर डाला है तो वो रियूज में आ जाती है, लेकिन करेंटली इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन को लेकर इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि बहुत सारे व्यूवर क्या गलती करते हैं, जितने भी अपने चैनल पर वीडियो डाल के रखा उनको या तो प्राइवेट कर देंगे या तो डिलीट मार देंगे, जिसके वजह से उनको फिर से 4000 घंटे का वॉच टाइम करना पड़ता है अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को ऐसे 5 रीजन बताने वाला हूं अगर आपके चैनल पर करेंटली इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन आ गया है तो इन 5 रीजन को अच्छे तरीके से अपनी वीडियो में चेक करना है और वीडियो डिलीट नहीं मारना, वीडियो में चेक करना है। अगर वो वीडियो सही है तो उस वीडियो को रखना है और अगर वो वीडियो सही नहीं है तो उस वीडियो को रिमूव कर दो अपने चैनल से, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आपको बहुत सारी वीडियो को डिलीट मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे व्यूवर कंफ्यूज है और YouTube सही से आपको बताता नहीं कि करेंटली इनएलिजिबल का मतलब क्या होता है और लोग काफी बार अपने चैनल को रीअप्लाई करते कुछ कुछ चेंजेस करके लेकिन फिर भी मोनेटाइजेशन नहीं होता है और ना ही कोई बड़ा यूट्यूबर उनको समझाता है कि यार करेंटली इनएलिजिबल का मतलब ये होता है या ये होता है। लेकिन ऐसे मैं आपको 5 रीजन बता रहा हूं, वो 100% उनमें से कोई ना कोई आपका एक रीजन होगा जिसको अगर आप सही कर लेते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। गाइज, तो आप सबसे पहले बात करते हैं कि करेंटली इनएलिजिबल आता क्यों है आपके वीडियो पर, आपके चैनल पर। तो रीजन नंबर 1 कि अगर आपने अपनी वीडियो के अंदर में एक फोटो सिर्फ इस्तेमाल करके रखा है, मतलब सिर्फ एक फोटो लगा रखा है वीडियो के अंदर में, अगर आपकी 5 मिनट की वीडियो तो वो एक फोटो पूरे वीडियो में सिर्फ चल रही है, चल नहीं रही है, मतलब वहीं का वहीं रुकी हुई है, ना आपको स्लाइडिंग कर रहे हो ना कोई एनिमेशन दिखा रहे हो, बस एक फोटो को लगा रखा है वीडियो में और आपने अपनी वीडियो में वॉइस ओवर रखा है, तो यहां पर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। इसका आता है करेंटली इनएलिजिबल यूट्यूब आपको देता है। अगर आपको अपना चैनल मोनेटाइज करना है तो जो भी आप अपनी वीडियो में दिखा रहे हो उसके अंदर में आपका क्या बोलते हैं एनिमेशन होना चाहिए या अलग अलग फोटो आनी चाहिए या फिर आपका उस वीडियो के अंदर में कुछ क्रिएटिविटी होना चाहिए या फिर आप नो कॉपीराइट बहुत सारी फोटो को लेकर दिखा सकते हो। ये था पहला रीजन जिसकी वजह से करेंटली इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन आता है गाइज। उसके बाद गाइज रीजन नंबर 2 है कि जो बहुत सारे व्यूवर गलती करते हैं वो यहां पर ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहते लेकिन उनको लगता है कि इस तरीके से चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मैं आपको बता दूं बहुत सारे व्यूवर क्या करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत 10 सेकंड 5 सेकंड का वॉइस ओवर करते हैं, लास्ट में 10 सेकंड 5 सेकंड का वॉइस ओवर करते हैं और बीच में वीडियो में म्यूजिक लगा देते हैं और जो भी उनका एनिमेशन होता है वो दिखाते हैं। तो यहां पर इसके वजह से भी आपका करेंटली इनएलिजिबल आता है। अगर आपने स्टार्टिंग और लास्ट में वॉइस ओवर कर रखा है तो उसको हटाओ, पूरे वीडियो के अंदर में अपना वॉइस ओवर करो या वॉइस ओवर फेस कैम करो, तभी आपकी करेंटली इनएलिजिबल वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आपका चैनल तभी मोनेटाइज होगा। अब यहां पर बात करते हैं रीजन नंबर 3 जो कि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग गलती करते हैं जो कि आपको ऐसी गलती नहीं करना है वरना आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। वीडियो में बहुत सारे लोग आधा वॉइस ओवर करते हैं आधा फेस कैम करते हैं, कहने का मतलब है कि अगर वीडियो 10 मिनट की है तो यहां पर वो 5 मिनट तक वॉइस ओवर और फेस कैम रखेंगे और बाकी 5 मिनट की जो वीडियो है वो यहां पर म्यूजिक लगा देंगे बैकग्राउंड में या फिर कुछ एनिमेशन के थ्रू दिखा देंगे या फिर कुछ ऐसा अपने फोन को या कैमरे को लेकर व्लॉग की तरह दिखा देंगे, जिसके वजह से करेंटली इनएलिजिबल आता है। अगर आपकी 10 मिनट की वीडियो है तो 10 मिनट तक आपको नॉन स्टॉप वॉइस ओवर या वॉइस ओवर फेस कैम रखना है, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। लेकिन अगर आप ये गलती करते हो कि वीडियो 5 मिनट की और 2.5 मिनट तक आप वॉइस ओवर फेस कैम कर रहे हो और 2.5 मिनट तक नहीं कर रहे हो तो उसके वजह से आपके चैनल पर करेंटली इनएलिजिबल आता है। अब बात करते हैं रीजन नंबर 4 की जो कि काफी सारे लोग गलती ये भी करते हैं जिसके वजह से वो कंफ्यूज रहते हैं कि करेंटली इनएलिजिबल का मतलब क्या होता है। दूसरे की वीडियो रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर अपलोड करते हैं और उनको लगता है कि चैनल मोनेटाइज हो जाएगा लेकिन आ जाता है करेंटली इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। जैसे कि सपोज कहीं जागरण हो रहा है और वहां पर आप अपने फोन से वीडियो बनाते हो, ठीक है, ना आप अपना वॉइस ओवर करते हो ना फेस कैम करते हो, रिकॉर्ड आपके फोन से हुई है, ठीक है, और आपने क्या किया वो वीडियो उठाया अच्छे तरीके से एडिट किया और उसको अपने चैनल पर डाल दिया, जिसके वजह से आ जाता है आपका करेंटली इनएलिजिबल। अगर कोई नेता भाषण दे रहा है तो वहां पर जाते हो और अपना फोन निकालकर उनकी वीडियो करते जो जितने देर तक उनका भाषण चलता है उतने देर तक की आपकी वीडियो रिकॉर्ड होती है और आप अपने चैनल पर डाल देते हो और ऐसे लगता है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। इसके वजह से करेंटली इनएलिजिबल यूट्यूब दे देता है और यहां पर बाद में आपको समझ में नहीं आता कि यार मैंने अपने फोन से वीडियो को रिकॉर्ड किया है तब भी मेरे चैनल पर करेंटली इनएलिजिबल आ
आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसा ही होगा। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग अगर किसी एक पर्सन का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो सब अलग अलग चैनल पर डालते हैं, और यहाँ पर आपका जो है अगर आपने फोन से रिकॉर्ड किया तो आपका आ जाएगा करेंटली इनएलिजिबल, क्योंकि ना आपने उसमें वॉइस ओवर अपना ऐड किया, ना ही अपना फेस कैम दिखाया। अपना वैल्यू ऐड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये था रीज़न नंबर 4। अब बात करते हैं रीज़न नंबर 5 एंड लास्ट की, जो कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके चैनल को मोनेटाइज करने में। अब मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने चैनल पर आधे वीडियो के अंदर में वॉइस ओवर करते हैं और आधे में करते ही नहीं है, या फिर क्या करेंगे कि एक जो वॉइस ओवर है उनकी वो थोड़ा सा कट कट करके अपने वीडियो में लगाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को कि मैं बता रहा हूँ, अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड किया, अच्छे तरीके से एडिट किया, वीडियो 5 मिनट की है और आप 2.5 मिनट तक ऑडियो अपना डाल रहे हो, मतलब कि अपनी वॉइस डाल रहे हो, और 2.5 मिनट तक अगर आप कोई स्लाइड शो दिखा रहे हो बिना म्यूजिक के, और अगर आप कुछ भी एनिमेशन दिखा रहे हो और अपना वॉइस ओवर नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर इसके वजह से भी आपका करंटली इनएलिजिबल आता है। भले ही आपने बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा रखा नहीं लगा रखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हो वीडियो के अंदर में, आधा आपने वॉइस ओवर कर रखा, आधा अपनी खुद की क्रिएटिविटी है जो भी आप समझा रहे हो, लेकिन आप वॉइस ओवर नहीं कर रहे हो, ना फेस दिखा रहे हो, बस अपनी क्रिएटिविटी कर रहे हो, तो उसके वजह से भी आपका करंटली इनएलिजिबल आ सकता है। ये 5 रीजन है जो कि मैंने आपको बताया उसको सॉल्व करना। अब यहां पर जो मैं लास्ट इसका सोल्यूशन बताने वाला हूं कि सबसे पहले अपने चैनल पर आप चेक करो जितनी भी वीडियोज है उसमें आपका शुरू से लेकर एंड तक वॉइस ओवर है या नहीं, वॉइस ओवर फेस कैम है या नहीं, ये चेक करना है। उसके बाद आपने अपनी वीडियो के अंदर में क्या एक फोटो को यूज करा है पूरी वीडियो के अंदर में, अगर आपने एक फोटो को शुरू से लेकर एंड तक यूज किया हुआ तो उस टाइप की वीडियो आपके चैनल पर नहीं चलेगी, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपने वीडियो के अंदर में और भी ज्यादा फोटोज को ऐड करो जो कि स्लाइड करके एनिमेशन के थ्रू या फिर कुछ भी आए, लेकिन हर दो दो चार चार पांच पांच दस दस सेकंड 20-20 सेकंड में कोई ना कोई एक फोटो आनी चाहिए, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। और जो मैंने यहां पर इस वीडियो के अंदर में बताया है उसको आप सही तरीके से अपनी वीडियोज पर फॉलो करना, वीडियोज को चेक करना और उसके आप रीअप्लाई करना, आपका चैनल 101% मोनेटाइज हो जाएगा। और आप लोग मुझे खुद आके इंस्टाग्राम पर मेरे को स्क्रीनशॉट भेजोगे मोनेटाइजेशन वाले मेल का। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको मेरी ऐसी जनरल वीडियो मिलती रहेगा। तो चलिए मैं जब मिलते नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।